TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रुपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रुपए। फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में हम 21 सूत्री मांगों को लेकर के जो आज आंदोलन करने वाले थे, कल जिला कलेक्टर महोदय से वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप अजमेर ज़िले में ज़्यादा होने के कारण हमने हमारे आंदोलन को 7 दिन आगे बढ़ाया है और आज हम जिला कलेक्टर महोदय को 21 सूत्री मांगों का लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर 7 दिन में हमारी मांगों पर राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो 28 तारीख से हमारा आंदोलन यथावत रहेगा, हम चालू रखेंगे। क्या मांगे मुख्य मांगों में है 6 महीने के लिए काश्तकार के घरेलू व कृषि कनेक्शन बिल माफ़ किए जाए। दूसरी प्रमुख मांग हमारी 833 रुपये पर मंथ हमें छूट दी जाती थी कृषि कनेक्शन पर, वो नवंबर 2019 से सरकार ने बंद कर दी है। तो नवंबर 2019 से वो जो पैसा बन रहा है हमारा, हमारे काश्तकार के खाते में आ गए। तीसरा क्या हमें हमारा जो पिछला बकाया है उसको जमा कराने की तारीख 31 अक्टूबर 2020 की जावे, उसके अभाव में किसी भी काश्तकार का कोई कनेक्शन नहीं काटा जावे। और एक योजना तत्काल विद्युत कनेक्शन में सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है, उस रोक को वापस हटावे। तीसरी हमारा है गत 2 बजट में एक भी कृषि कनेक्शन जारी नहीं किया सरकार द्वारा। ये जो लिस्ट है 2 मार्च 2012 के बाद में 12 तक जिन्होंने आवेदन कर रखा, उसके बाद में किसी को भी मांग पत्र जारी नहीं हुआ है और कनेक्शन नहीं हुए है, तो उस लिस्ट को बढ़ा करके मांग पत्र जारी कर किसानों का मतलब ये कनेक्शन दिए जाए। और एक वर्ष पुरानी जो ऑडिट राशि निकाल करके हमारे बिलों में डाल देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि किस बात का बकाया, तो 1 साल बाद की राशि किसान के बिलों में नहीं डाली जाए। एक ये जो इसमें 2 श्रेणी है, फ्लैट रेट और मीटर, तो ये किसान के स्वैच्छिक, अभी क्या विद्युत विभाग जो जाता है वही रेट लगा देता है। हम चाह रहे हैं किसान लिख के देवे कि हमारे फ्लैट रेट से चाहिए कनेक्शन या मीटर से चाहिए। जितना जो हमारे स्वीकृत भार होता है, जैसे 7 HP का है, 10 HP का है, तो हम 10 HP का 5-5 HP की 2 मोटर चलाते हैं, वो जायज है कि वो 10 HP का हमारे भार है, तो सरकार ने इसको बंद कर दिया। पहले ऐसा करने पर निःशुल्क हमें इसकी स्वीकृति मिल जाती थी, लेकिन अब उसके लिए शुल्क लगा दिया है तो उसको हटाया जाए। खेत के ऊपर सिंगल फेज कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि रात दिन काश्तकार खेत में रहता है। आज आवारा जानवर है, नील गाय है, जहरीले जानवर हैं, इन सबकी से किसान की सुरक्षा का हिसाब से लाइट हो, तो रात को लाइट आती नहीं है तो किसान आए दिन इसके हादसों का शिकार होते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये कनेक्शन दिया जाए। एक जो विद हाइट टेंशन जो लाइट निकली है खेतों के अंदर से, तो उसको काश्तकार के खेतों में वो बना दिए टावर, इन्होंने टावर से लाइट ले ली। अब उस टावर के न तो उस ज़मीन पे कोई खेती हो सकती है, न उसके आसपास ट्रैक्टर वगैरह हाँकने के लिए जा सकते हैं, न उस लाइन के नीचे काम करते हैं, तो हमारी तो कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है, तो उसका मुआवजा हमें प्रतिवर्ष दिया जाए पैदावार के हिसाब से। अब सरकार ने ये जो चना खरीदे समर्थन मूल्य पर, इसके टोकन जारी कर दिए, लेकिन टोकना खरीद नहीं कर रही है, तो जितने टोकन जारी हुए हैं सबकी खरीद होनी चाहिए। ब्याज मुक्त जो सहकारी ऋण है, इसमें साख 1.5 लाख कर देते हैं, साख 2 लाख कर देते हैं, देते 50,000-60,000, तो काश्तकार की जो साख बने, लिमिट बनती है, वो लिमिट का पूरा पैसा दिया जाए। अब क्या देगी आगे नहीं होती, बस ये एक टिंडी की रही है। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, हम आंदोलन करेंगे 28 तारीख से, 28 जुलाई, वो तो अनिश्चितकालीन है जी। सर आपका नाम बताओ। राजेश कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ।